हेलो फ्रेंड्स, आपका आर के यू यूनिक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ विंडो 10 में 4C लिपि का कैसे चलाएं। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। सबसे पहले हम करते हैं विंडो 10 में 4C लिपि का इंस्टॉल। यहाँ पर हम कुछ भी पासवर्ड डाल सकते हैं और कंपनी नंबर XYZ। ये हमारा 4C लिपि का इंस्टॉल हो चुका है। अब एक बार हम इसे चला के देखेंगे। ये हमने नोटपैड खोला, नोटपैड, और हम लिपि का खोलेंगे। इसमें अभी हमारा ये इंग्लिश टाइपिंग हो रही है, अभी हम लिपि का खोलेंगे। लिपि का खोलते हैं, इसमें पासवर्ड डालते हैं, जो इसका पासवर्ड है। लैंग्वेज पे जाके हिंदी यूनिकोड रेमेंटम पे क्लिक करके हिंदी हमारी टाइप हो रही है, हिंदी टाइपिंग हो रही है। लेकिन इसमें 3 बटन नहीं चल रहे हैं, बैक, एंटर और स्पेस। इसे हम बंद करते हैं और हम कंट्रोल पैनल में जाते हैं, सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट, करंट योर अकाउंट कंट्रोल सेटिंग में जाके इसको हमें नीचे करना होता है और ओके। ये कई बार ऊपर होता, हमेशा ये ऊपर होता है, ये मैंने पहले नीचे कर रखा था तो इसलिए ये नीचे था। अब एक बार फिर से हम इसको हटाते हैं डेस्कटॉप पे से और हमें इसमें exe डालनी है, 64-bit exe। ये आप देख रहे हैं 64-bit exe। इसकी हमने ये zip फाइल थी अनजिप करके, ये दोनों फाइलें उठा के यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। ये दोनों फाइलें ये कॉपी करके और हम लिपिका के फोल्डर में जाएंगे, सी ड्राइव में जाके प्रोग्राम फाइल 86 में जाके, लिपि का सबसे ऊपर है फोल्डर, इसके अंदर जाएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे, रिप्लेस द फाइल करके कंटिन्यू। और जो ये 4C लिपि का 10 V10 है, इसको हम शॉर्टकट बना लेंगे डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बना लेंगे इसकी हम। इसको हम यहाँ से बंद करते हैं और ये हमारी ये 4C लिपि का V10 आ गई है यहाँ पे शॉर्टकट। इसको ऑन करते हैं, इसमें वही पासवर्ड डालेंगे हम जो हमारा पहले था। ओके करते हैं पासवर्ड डाल के। ये अभी हिंदी ले रहा है, एक सेकंड, पुरानी हमारी लिपि का चालू थी, हमने बंद नहीं करी थी। यहाँ पे लैंग्वेज में जाके हिंदी यूनिकोड रेमेंटम, अब हम नोटपैड खोलेंगे, इसमें हम टाइप करते हैं। अब हिंदी टाइप हो रही है, एंटर भी काम कर रहा है, स्पेस भी काम कर रहा है और बैक स्पेस भी काम कर रहा है हमारा। ये इस वजह से होती है क्योंकि विंडो 10 में लिपिका नहीं चलती, इसके लिए 64-bit exe हमें चाहिए होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं ऐसे ही आगे भी ऐसी वीडियो लाते रहूँगा।
आप कमेंट करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें।